رحم الله من الطالب. لیکن وہ حقوق کے جو حقوق
नादानी में अगर वो किसी ने नादानी की है तो उसको मैं माफ नहीं कर सकता, जब तक कि वो जो है वो जिसके हक में आपने गलती की है माफ नहीं। तो जो इस्लाम इंसानियत और जो इस्लाम हकूक बशरी की बात करता है, तो आप मुझे बताइए कि जो पैगाम देने आया है अखलाक का, उसको कैसा होना चाहिए? जो इबादत बताने आया है, अल्लाह की इबादत सिखाने आया है, उसको कैसा होना चाहिए? जो कुरान पढ़ाने आया है, उसको कैसा होना चाहिए? जो खुदा की मारिफत दिखाने आया है और मारिफत समझाने आया है, उसको कैसा होना चाहिए? कुरान को समझाने के लिए ज़रूरी यह है कि जो कुरान समझा रहा है पहले वो कुरान को समझा हुआ हो। ऐसा तो नहीं है कोई उठे उठने के बाद कुरान की आयतों को समझाने लगे। बारह जो प्रोग्राम्स हैं, तीन चार पाँच इनकी मजलिसें हैं, कौन से मजलिस हैं, ये अंजुमन सबीर सकीना की जानिब से और ये शहादत उन्होंने हासिल की जनाब सैयद जनाब सलामुल्लाह अलैहा, जो इबादत बताने आया है उसको भी खूब अच्छी तरह से इबादत को समझता हुआ होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कुरान जानता ना हो कुरान बताने लगे, जबकि कुरान ये कहा है कि मेरे हबीब के भेजने का मकसद ये है कि वो कुरान की आयतों की तलावत करे, वो तस्किए नफ्स करे और लोगों को कुरान और हिकमत की तालीम दे। तभी तय करना पड़ेगा कि जो तालीम देने आया है वो तालीम लेने नहीं आया है, तालीम लेकर आया है। इसीलिए कुरान मजीद ने ऐलान किया है अर्रहमान अल्लाहुल कुरान खलकल इंसान, रहमान है परवरदिगार जिसने जो है कुरान की तालीम दी है उसके बाद उसको खलक किया, फिर उसके बाद अल्लाह को बयान से बयान की ताकत दी, उसे बयान किया, उसे बताया। तो जो अखलाक सिखाने आया वो खुद बाखलक खुद होना चाहिए। जब हुजूर अकरम मर्तबत के अखलाक के बारे में बात की तो कुरान ने कहा इन्नका लअला खुलकिन अज़ीम, पैगंबर से पूछा गया कि आपकी गरज बेसत क्या है, आप क्यों भेजा गया, आप क्यों तशरीफ लाए? तो नबी ने कहा वही तो ले होते उमामा मकाल मिल अखलाक, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं अखलाक हसना की तकमील कर सकूं। नबी आजम ये ऐलान कर रहे मैं अखलाक हसना की तकमील कर सकूं। तो जिसको अल्लाह ने अखलाक हसना की तकमील के लिए तालीम के लिए भेजा है उसके लिए कुरान ने ऐलान किया है इन्नका लअला खुलकिन अज़ीम, ऐ मेरे हबीब मैंने आपको खुलके अज़ीम पर फायज करके भेजा है। बोलते ना आप कुरान की आयत है खुलके अज़ीम लफ्ज़ अज़ीम इस्तेमाल किया है। नबी के अखलाक के बारे में जब लोगों को ये तफ्तीश हुई कि नबी के अखलाक कितने हैं क्या है तब पूछा जाए तो लोगों ने पूछना शुरू किया। तो जो नबी के करीब करीब लोग थे असहाब में उनमें से किसी से पूछा आप बताइए कि नबी के खुद के बारे में आप कितना जानते हैं, अखलाक के पैगंबर कहाँ करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं बता सकते, आप दूसरे फला के पास जाएंगे। तो फला के पास गए, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम नहीं बता सकते। सब ने मिलकर ये तय किया कि ये अखलाक के पैगंबर कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं और कहाँ तक हैं, ये सिर्फ अली मुर्तजा के अलावा और कोई नहीं बता। अखलाक के पैगंबर को अगर किसी ने ठीक से पहचाना है तो अली मुर्तजा ने पहचाना, उनके पास जाइए वो बताएं। तो लोग उनके पास आए मौला की खिदमत आने के बाद कहा कि बताइए अखलाक के पैगंबर कहाँ तक हैं? तो मौला ने फरमाया अच्छा ये बताइए कुरान पढ़ा है कहाँ? का कुरान में लिखा हुआ है मताउ दुनिया कलील, दुनिया की जो चीजें हैं बहुत थोड़ी हैं। तो आप ऐसा कीजिए आप लोग मिलकर दुनिया की तमाम चीजों की एक फहरिस्त बना दीजिए, एक लिस्ट बना दीजिए, एक फहरिस्त बना दीजिए दुनिया में कितनी चीजें पाई जाती हैं, जानवरों में, इंसानों में, परिंदों में, दरियाओं में, खुश्की में, समंदरों में, बाहर जंगलों में, जहां जहां जो चीजें पाई जाती हैं जो आप जानते हैं उनके बारे में एक लिस्ट बना दीजिए। तो सबने आजिजी के साथ आंखों को जोड़ा का याली ये मुमकिन नहीं है। दुनिया में बे इंतहा नेमतें पाई जाती, बे इंतहा अशिया पाई जाती,
दुनिया की चीजों का आपकी लिस्ट नहीं बनाई जा सकती। तो इमाम ने फरमाया कि जिसको कुरान ने कलील कहा, जब उसकी फहरिस्त तैयार नहीं हो सकती, तो जिसको खुदा ने अजीम कहा है उस अली को कौन निभाएगा। जो इबादत सिखाने आया है उसको खुद जो है इबादतों के मतलब मालूम हो, इबादतों के सिलसिले के बारे में पता हो कि इबादत होती क्या है, इबादत इलाही होती क्या है, अल्लाह को तरह से पहचाने हुए हो। इसीलिए पैगंबर की मशहूर हदीस है कि खुदा बंदे करीम को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय दो शख्स तो के, मैंने पहचाना या अली ने पहचाना। मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय दो लोगों के, या खुदा ने पहचाना या अली ने पहचाना। और अली को भी किसी ने नहीं पहचाना सिवाय दो शख्सियतों के, या अल्लाह ने पहचाना या मैंने पहचाना। नबी ने फरमाया यानी जो हक़े मारिफत इलाही है वो या पैगंबर रखते हैं या अली मुर्तज़ा रखते हैं। जो हक़े मारिफत रिसालत है ये खुदा को मालूम है या अली को मालूम है। जो हक़े मारिफत इमामत है वो पैगंबर जानते हैं या खुदा जानते हैं। तो खल्लाक आलम के नबी ने कहा कि खुदा की मारिफत को बताने के लिए पहले उसको पहचानना जरूरी है। उसके 1000 से ज्यादा नाम है, हर नाम से उसको जाना जाए, जो कहाँ तक है, उसकी अजमतें क्या है, उसकी बुलंदियां क्या है। तो ये वही जा सकता है कि जिसको खुदावंद करीम ने बचलवाया हो। गौर करें आप, कायनात में परवरदिगार आलम ने आले मोहम्मद की तखलीक से पहले और बाद में जब तमाम फरिश्तों को जमा किया तो ऐलान फरमाया, तखलीक पैगंबर के बाद फरिश्तों को पैदा करने के बाद ऐलान फरमाया, पुलिस को पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि मुझे भेजा गया है कि मैं अखलाक हसना की तालीम दूं। खुदा ने जो बताया है कि पैगंबर को हमने क्यों पैदा किया, उसे फरमाया तुम तो कंजम मखफिया बहबब तो नहीं और फाफ खलक तुल खल्क। जनाब सैयदा तक पहुंचने के लिए मुझे ये दो तीन जुमले कहना जरूरी है कि पैगंबर की बात पहले हो जाए फिर वहां तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह कहता है मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक के अव्वल को पैदा किया। तो जो चाहता हूं यानी जो मखलूक के अव्वल है उसको मैंने इसलिए पैदा किया कि ताकि मैं पहचाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। ये अल्लाह ने ऐलान किया है। मखलूक के अव्वल कौन है? हुजूर खतीब मर्तबा ने फरमाया अव्वल मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल किया। आप सुनने के लिए तैयार है? सबसे पहले खल किया, सबसे पहले का क्या मतलब है? यानी कुछ भी नहीं था खुदा के अलावा, न जमीन न जमान न आसमान न फरिश्ते न दरिया दरख्त न समंदर, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब अल्लाह ने हमारे नूर को पैदा किया। अब ये बहस बिल्कुल खत्म हो गई कि नबी नूरी थे या खाकी थे, इसलिए कि जब पैगंबर पैदा हुए तो खाक थी ही नहीं तो खाकी कहां से आए। सबसे पहले मतलब सबसे पहले अल्लाह ने मेरे को पैदा किया, तो नबी ने फरमाया सबसे पहले अगर किसी को पैदा किया हमें पैदा किया, और हम अकेले नहीं है, अना वाली मिन नूर वाहिद, एक ही नूर से मैं भी हूं और एक ही नूर से अली मुर्तजा है। तो पंजतन की तखलीक खलाक आलम ने जो गलत बताई है वो ये कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि मुझे लोग पहचाने, तो मैंने मखलूक के अव्वल को पैदा किया। तो मखलूक के अव्वल ने खुदा को पहचानवाया है कि नहीं? खलाक आलम ने खलाक आलम को मखलूक के अव्वल ने पहचानवाया, पैगंबर ने पहचानवाया, अली मुर्तजा ने पहचानवाया, इमाम हसन मुज्तबा ने पहचानवाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहचानवाया, इन सब ने पहचानवाया। कैसे पहचानवाया? अब खुदा के करीब जात तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि उसकी जात अलग हो उसके सिफात अलग हो। हमारे और आपके दरमियान में और खुदा के दरमियान में यही फर्क है, हमारी जात अलग है, हमारे सिफात अलग है। गौर करें आप, सिफत हमारी बाहर से है, जात हमारी जात अलग है, लेकिन खुदा के यहां जो जात है वही उसकी सिफत है। जितने भी नाम दिए जाए वो सब खुदा के नाम है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह अलग है, उसके नाम अलग है, उसकी सिफात अलग है। सारी सिफात ही अल्लाह के यहां जात से मुंसलिक है। तो अब परवरदिगार आलम अकेला एक जात नहीं है, उसके हजार नाम है। वो हकीम है,
वो अलीम है कि नहीं, वो करीम है, वो हसीन है, वो कदीमुल एहसान है, वो फातरुस समावात वल अर्द है, वो माबूद है, वो आलिम है कि नहीं, वो सादिक और सच्चा है, वो हलीम है, वो मालिक रजा है। परवरदिगार आलम के एक नाम नहीं, सारे बहुत सारे नाम, वो राजिक है, वो हैबतों का मालिक है, वो हमेशा से और हमेशा रहने वाला है। तो अब उसको पहचानने के लिए कुछ ऐसी शख्सियतें जरूरी थी कि जिनके अंदर सिफात इलाहिया पाए जाते हों, जो कमाल परवरदिगार आलम सिफात इलाहिया के हामिल भी हों और मजहर भी हों। तो परवरदिगार आलम ने वही मखलूक के ऊपर पैदा की कि देखो, अगर मेरी इल्म को पहचानना है और ये जानना है कि मेरी बुलंदी क्या है, तो अली को देखो और मैं पहचाना जाऊंगा। अगर ये देखना है कि मैं कितना हसीन हूं, हसन मुस्तफा बताएंगे। अगर ये देखना है कदीमुल एहसान कैसा होता है, तो हुसैन बताएंगे। अगर ये देखना है कि माबूद क्या है, तो आबिद बीमार बताएंगे। अगर देखना है कि मेरा इल्म क्या है, तो बातुल इल्म की खिदमत में जाओ। अगर देखना है मेरी सदाकत क्या है, तो जाफर सादिक बताएंगे। अगर देखना है मैं हलीम कितना हूं, तो मुझसे काजिम बताएंगे। अगर मेरी रजा जानना है, तो ये रजा की खिदमत में जाओ। अगर तुम हमारी हैबतों को चाहते हो, तो हसन असरी की खिदमत में जाओ। अगर पाकिजगी चाहिए, तो अली नकी से पूछो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, तो उसकी खिदमत में जाओ, जिसे मैंने सैकड़ों साल से जिंदा रखा है। वो बताया जाए कि जब बंदा इतनी दूल्हा में उम्र पा सकता है, तो खुदा तब तक जिंदा रह सकता है। सूरज दहर ये चाहता है कि ये रोटियां दे, तो मैं
अली की आरजू नहीं है कि मैं काबे में पैदा हो जाऊं, काबे की तमन्ना है कि अली पैदा हो तो मैं किबला बन जाऊं। काबे की तमन्ना है कि अली पैदा हो तो मैं किबला बन जाऊं। अली की ख्वाहिश नहीं है कि खैबर में अलम हमें मिले, अलम की तमन्ना है कि मैं अब अली के हाथों में जाऊं। नहीं, दलील ये है, अगर शायर मदीने से बुलाए गए होते तो फातिमा की तमन्ना थी कि रुम दहर आ जाए, अगर शायर उधर से आए हैं तो दहर की तमन्ना है कि मैं जाऊं। अगर बीबी फातिमा बिनते असद दरवाजे से गई होती तो उनकी तमन्ना थी कि अली पैदा हो, और अगर नया दर बनाया गया तो काबे की तमन्ना है कि अली पैदा हो, और अगर अली खुद मदीने से आए होते खैबर में तो अली की तमन्ना खैबर मिल जाए, और अगर नाम अली पढ़ के बुलाया गया तो अरब की तमन्ना है। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत पर, अल्लाह की मोहब्बत पर, मोहब्बत भी कई तरह की होती है, आले मोहम्मद पर उठना बैठना चलना बोलना जो भी काम है जिंदगी का, हर एक्टिविटी आले मोहम्मद की सिर्फ मोहब्बत इलाही में, मोहब्बत इलाही में रही। अल्लाह की मोहब्बत पर मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, असीरों को खाना खिलाते हैं। ये कुरान मजीद क्या करीमा है सूरह तहरीम में, और उसके बाद खल्लाक आलम उनके लिए क्या भेजता है, उनको कहता है कि तुम्हारी इन मेहनतों का जो तुमने खाना दिया है, इस खाने के एवज में मैंने तुम्हारे नाम जन्नत लिख दी है। क्या कुरान नहीं पढ़ा है लोगों ने? अरे जरा आपने, अरे अली आपने, हसनैन आपने जो रोटियां दी हैं, इन रोटियों की कीमत जन्नत के अलावा और कुछ हो नहीं सकती। मैंने जन्नत तुम्हारे नाम लिख दी है, तो अब जिसकी मिल्कियत है वो जिसे चाहे बांटे, जिसकी मिल्कियत है जिसे चाहे रोक ले। अब अगर जन्नत में जाने की तमन्ना है तो खुदा को राजी करने से पहले फातिमा को राजी करना जरूरी है। पहले फातिमा राजी होंगी तभी जन्नत में जा सकते हैं। कहा कि मैंने जो है उसका एवज में आप जन्नत हरीरा, जन्नत हमने आपके नायत फरमाई, फिर दूसरी जगह पर अल्लाह वहीं को फरमाता है आयत में वसय्यकुम मशकूरा। वो करें आप, ये कुरान है, और अल्लाह तुम्हारी इस कोशिश और सब्र पर तुम्हारा शुक्रगुजार है। इससे बड़ा मर्तबा और क्या चाहिए? कायनात में कोई है कि इसके पास इतना बड़ा मर्तबा हो? खुदा क्या कह रहा है, जो तुम्हारी कोशिश है जो सही है उस सही और कोशिश के लिए खुदा तुम्हारा शुक्रगुजार है, अल्लाह तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है। आप कुरान पढ़िए, शुरू होते ही कुरान में बिस्मिल्लाह के बाद हर मुसलमान का फरीजा है कि वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी पूरी कायनात जिसका शुक्र अदा करे उसे खुदा कहते हैं, और खुदा जिसका शुक्रिया अदा करे उनका नाम है बेबैत रसूल। कुरान कह रहा है वसई को मशकूरा, और तुम्हारे सही और तुम्हारी कोशिश के लिए परवरदिगार तुम्हारा मशकूर है, तुम्हारा शुक्रगुजार है। और रोटियां लाने और ले जाने वाले, अब तमाम तमाम मुअज्जिन से पूछिए, हर मौलवी यही कहता है, वो जमाने के जो है मदीने के यतीम नहीं थे, इसलिए उनके पास दलील है, शहर के यतीम नहीं थे। क्यों? इसलिए कि अली के होते हुए किसी शहर में, जो शहर में अली रहते हैं उस शहर में कोई यतीम भूखा नहीं रह सकता। अली किसी यतीम को यह जहमत नहीं देते हो किसी के दरवाजे पर जाकर रोटियां मांगे। इस बुनियाद पर सबने लिखा कि वो रोटियां लेने वाले जमीन वाले नहीं थे, आसमान वाले थे। जमीन वाले हो या हो आसमान वाले, इन्हीं के टुकड़ों पर पलते हैं दो जहां वाले, इन्हीं के टुकड़ों पर पलते हैं दो जहां वाले। और एक शेर आपके मिजाज के साथ लिखा हूं, बरूस हो गया मेरी ना हो या हो कोई किसी से डरते नहीं साहब जमा वाले। आने वाले फरिश्ते थे,
ریپوٹیشن کیا ہو اور کرے فرش والے تیرے ہاتھوں کا اثر کیا جانے, روٹیاں تیری بنی عرش کی زینت زہرا. جناب زہرا کے ہاتھ کی مکی روٹیاں تھی نا اللہ نے مکوائی. جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یتیم ہوں. یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یتیم ہمارے یہاں ماحول میں اسے کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے. جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے. تو جو فرشتے روٹیاں لینے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں یتیم ہوں تو فرشتوں کا باپ ہوتا ہے. فرشتوں کے ماں باپ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ فرشتے خلاق عالم کے مخلوق ہیں. جو خلاق عالم نے آل محمد کے نور سے پیدا کیا ان کے ماں باپ نہیں ہوتے. لیکن وہ اگر آج یتیم ہیں ہمیں روٹیاں دے دو. پھر اس کے بعد مولانا تبیان سے پوچھا گیا یتیم کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے. یتیم کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ یتیمی وہ لوگ تک رہتی ہے یا تو کسی کا باپ مر جائے جو ڈبری طور پر ہوتی ہے ہو جانے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے. صحیح ڈیفینیشن ابتدا سے لے کر انتہا تک مرنے تک جو رہتی ہے یتیمی, اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا لیس الیتیم الذی قد مات والده بل یتیم یتیم العلم والحسب. وہ یتیم نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے. یتیم حقیقت میں وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو. یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو. فرشتے درے اہل بیت پر لفظ یتیم استعمال کر کے بتا رہے ہیں ہم فرشتے ضرور ہیں لیکن علم بھی یہی سے ملتا ہے, ادب بھی یہی سے ملتا ہے. جناب ابراہیم جو ہے بکرے مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. جب تک ان کے گھر میں مہمان نہیں آتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے. حضرت ابراہیم شیخ الانبیاء خلیل اللہ مہمان کا انتظار کرتے تھے. کھڑے کھڑے ہو جاتے تھے آگے گلی کے کنارے پہ. جب کوئی آتا جاتا ملتا تھا اس کو لے کے آتے تھے کھانا کھلاتے تھے. اور کرے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ وہ لوگ جو جناب ابراہیم کو مارنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے چلے, جناب ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا تو خانے میں جا کر تو لوگوں نے پتہ لگایا کس نے توڑا ہے. تو کسی نے کہا ایک جوان ہے جو ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہو سکتا ہے اسے توڑا ہوگا. نام کیا تھا؟ ابراہیم. نام ابراہیم ہے. اب نام ابراہیم ملا اور ڈھونڈنے لگے ابراہیم کدھر رہتے کدھر رہتے کدھر رہتے. تب سے پوچھا آخر کار جو جناب ابراہیم کے دروازے پہنچ گئے تب کو باپ کیا گھبرائے تو نہیں سلمان دیجیے یہی تو وقت ہے سننے کا صحیح. بالکل جناب ابراہیم کے دروازے پہنچے انہوں نے بات کیا. ابراہیم حضرت ابراہیم دروازہ کھولا باہر نکلے کیا بات ہے؟ ہاں ہم ایک جوان کی تلاش میں ہیں اس کا نام ابراہیم. کیا آپ اس کو جانتے؟ میرا ایجنڈا کچھ اور تھا لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو یہیں پر روکے ہوئے ہوں. کہا کہ آپ ابراہیم کو جانتے؟ جناب ابراہیم سے پوچھ رہے ہو تو کہہ سکتے ہیں میرے جانتے. کہاں جانتے؟ ابراہیم کو جانتے ہیں آپ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو بتاؤ کا شرط ہے کا کیا؟ کہ پہلے میرے دسترخوان کو بیٹھ کر آپ کھانا کھائیے, میرے ساتھ کھانا کھائیے, میرے مہمان بنیے, اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتا دوں ابراہیم کو پتا کیا ہے. میں جانتا ہوں. تو لوگ ویسے کھٹے ہوئے تھے کہ اچھا موقع ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, دسترخوان بچھایا گیا, کھانا سامنے رکھا گیا, انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. جب کھانا کھا چکے تو کہا بتاؤ ابراہیم کون ہے؟ کہا میں ہوں ابراہیم. یہ سب آئے تھے زبان سے تناتے ہوئے مارنے کے لیے کہ انہوں نے میرا بت توڑ دیے. تو کہا میں ہی ہوں ابراہیم. تو جب یہ کہا میں ہی ہوں ابراہیم تو انہوں نے سر جھکا لیا. کہا کیا ہوا؟ اصل میں ہم لوگ ابراہیم کو مارنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ ایک گڑبڑ کیا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی ابراہیم ہیں, اگر آپ ہی ابراہیم ہیں تو ہم آپ کو نہیں مار سکتے, آپ کو نقصان نہیں دے سکتے, آپ کو پریشان نہیں کر سکتے. اب سمجھنا آپ کا کام ہے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کا نمک کھا لیا, ہم نے آپ کا نمک کھا لیا. مشرک ہے لیکن جانتا ہے حق کا نمک کیا ہوتا ہے, کافر ہے لیکن جانتا ہے حق کا نمک کیا ہوتا ہے,
दुश्मन है लेकिन जानता है कि नमक क्या होता है। अरे कम से कम उन बुत प्रस्तों से ही सीख लिया होता कि नमक खाने के बाद किसी के साथ हक के नमक को अदा करना जरूरी है, नमक हरामी नहीं की जाती। ये कैसे मुसलमान थे, माँ का नमक खाते रहे, बेटी का हक छीनते रहे। चेहरा बता देगा मुनाफिक में तो मुमिन,
एक बार जो है कोई नहीं आया, जनाब इब्राहिम तो सरकार बैठे थे, जब खाना कैसे खाया मेहमान तो आए नहीं, तो खल्लाक आलम ने कुछ फरिश्तों को भेज दिया, जाओ। जाने के बाद जो उनके साथ बैठ के दस्तरखान के साथ दो फरिश्ते आए, दस्तरखान बैठ गए, लेकिन जब रोटी सामने आई, जनाब इब्राहिम ने कहा बिस्मिल्लाह कर ली, हम रोटी नहीं खाते, और क्यों कहा फरिश्ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि फरिश्ते रोटी नहीं खाते, जब नहीं खाते तो मेरे फातिमा से मलाई भी। अच्छा रिस्क इतना मुकरम है कि फेंका नहीं जा सकता, चाहे जाए कि फातिमा के हाथ की पकड़ी रोटियां हो, तो पकड़ दिखा रहे आलम तूने जब ये फरिश्तों को भेजा था उन्हें खाना तो खाए नहीं और उन्होंने फेंका भी नहीं, तो फरिश्ते वो रोटियां ले कहां गए, कहा जहां से आए तो वहीं ले गए, और वो रोटियां मैंने वहां मलाक इसलिए रखी कि जब तक विलायत का ऐलान न हो दीन मुकम्मल नहीं है, जब तक फातिमा के हाथ की रोटियां ना आए जन्नत की नेमतें मुकम्मल नहीं। उसके लिए कुरान ने कहा है, उसके लिए कुरान ने कहा है कि कयामत का दिन होगा इन अल फुज्जार लफी जहीम इन अल अबरार लफी नईम, जो फाजिर होगा उसको जहीम में भेजा जाएगा जहन्नम में, और जो अबरार होगा नेकोकार होगा। अब इसकी तफसीर करने में बहुत मौका चला जाएगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक लफ्ज बताता हूं, अबरार होगा उसके लिए कयामत में अल्लाह ने नईम रखा है, नईम नईम मखसूस नेमत है जो जन्नत में उसको दी जाएगी। ये अबरार कौन है? नबी ने हदीस फरमाई या अली अंता इमामुल बररा जिस पर तेरी तलवार चलेगी वो फाजिर होगा और जो तुझे इमाम मानेगा वो अबरार होगा। कयामत के दिन कुरान कहता है अबरार रफी नईम, अबरार नईम पाएंगे, तो नईम कुछ और नहीं है, ये वही जहरा के हाथ की पकी हुई रोटियां हैं जो कयामत में जन्नत में तबर्रुक के तौर पर बटेगी। पूछो किसे मिलेगी? वो उसी को मिलेगी जिसे मजलिसे हुसैन का तबर्रुक अच्छा लगता होगा। तारुफ दूल्हे से बात का हो रहा है, तारुफ दूल्हे के तरीके
और जिब्राइल ने पूछा परवरदिगार कौन है चादर के नीचे, ये माला है, माला
मैंने जो पहला घर बनाया है वो लोगों के लिए बनाया, बेबरकतिन मुबारका मुबारक भी है, और मक्के में बनाया है। इसका तवाफ करने से, इसकी ज़ियारत करने से, इसको बोसा देने से इंसान इस तरह गुनाहों से पाक होता है जैसे वो शिकमे मादर से भी पैदा हुआ। हाजी साहब जो आते हैं तो बिल्कुल एकदम पाक व पाकीज़ा आते हैं। अब ये और बात है, एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाते हैं और ये तमन्ना लेके जाते हैं कि जब मैं एयरपोर्ट पर उतरूँ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर, तो लोग गेंदे के सही लेकिन फूल लेके आए और मेरे गले में डाले और कहे हाजी साहब जिंदाबाद, सारा गया। अगर तमन्ना लेके कोई जाता है आज एक बार किसी ने कह दिया हाजी साहब जिंदाबाद, सब कुछ खत्म हो गया। ये काबा जो है ये जमीन पर रहने वाले इंसानों के लिए गुनाहों के खत्म होने का जरिया। मोहतरम कब बना, किबला कब बना, जब उसमें अली मुर्तजा आ गए। जब अली मुर्तजा ने उस काबे में रूह डाल दी, जैसा उस वक्त तो बहस नहीं कर रहा है, तो वो घर कि जिसको जमीन वालों के लिए अफू और दरगुजर और मफरत का जरिया बनाया, उसको जीनत दी है अली मुर्तजा ने। अब आसमान वाले हाथों को जोड़ के बैठे, परवरदिगार आलम हमने तेरी बारगाह में जबान दराजी की थी, जब तूने इतराबे आदम को बनाने की बात की थी तो हमसे तर क्यौला हुआ, हम क्या करें? तो कहा बैते मामूर के चक्कर लगा, कहा वहां तो काबे में अली आए, यहां बैते मामूर में क्या है? तो खलाक आलम ने कहा कि वहां अली की रूह आई थी और अली आए थे, इस बैते मामूर में मैंने नूरे फातिमा रखा हुआ है। जमीन वाले जिस घर से जो है फायदा उठाए वो अली ने सजा दिया, आसमान वाले जिससे फायदा उठाते वो फातिमा ने सजा दिया। बैते मामूर को फातिमा ने जीनत दी, बैतुल्लाह को अली मुर्तजा ने जीनत दी। ये जमीन वालों के लिए रहमत है, वो आसमान वालों के लिए रहमत है। तो आसमान वाले सबसे ज्यादा अगर किसी को पहचानते थे तो फातिमा को पहचानते थे, इसलिए कि वही उनकी मफरत का जरिया थी। इसीलिए अल्लाह ने नबी को पहचानवाने के लिए फातिमा को सहारा दिया। तस्करा उन्हीं को होना है, कहां से शुरू करें कहां पे खत्म करें, कोई था और इंतहा हो, कोई इंतहा नहीं। सखावत में जाइए उनका जैसा कोई नहीं है, इबादत उनकी जैसी नहीं है, सब उनके जैसा नहीं है, कमालात उनके जैसे नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ इतना कहकर जबान को खामोश कर लिया, फातिमा तो मुआविया, फातिमा कुछ नहीं है, वह इतना समझना अपने बाप की भी मां के बराबर। इतनी मोहतरम बीबी, इतनी अजीम तरीन बीबी, इसके अतीय पर खुदा वाले करीम को नाश कर रहा और ये कह के ऐलान कर रहा है इतना अचानक कर दो सर, हमने तुम्हें फंसा अदा किया, इसके बस तुम अल्लाह तआला हमें सजदे करो और कुर्बानियां पेश करो, तुम्हारा दुश्मन जो है हमेशा के लिए अंतर रहे। माँ ऐसी जो मलीकतुल अरब कहलाई, अगर इस्लाम के इब्तिदा में जो है मलीकतुल अरब की दौलत न मिली वो दीन इस्लाम से चले रहा था, तो दम तोड़ वो मुसलमान जिन्होंने जो है मलीकतुल अरब की दौलत से इस्लाम सीखा उन्होंने क्या किया पता पड़ रहा है। बरसहा बरस से लोग जो है इस तारीखों को जनाब जहरा की शहादत को उन्होंने वफात देके लिखा, वफाते फातिमा नहीं है, शहादत फातिमा। मैं एक सवाल करूँ तमाम दुनिया के मुसलमानों से, तमाम शरीयतें के लिए बैठ जाइए और हर शरीयत का मुताला करके जुमला बताइए, मुझे बात कहिए, बताइए एक बार जिसका मैं जिक्र कर रहा था इब्राहिम का, उन इब्राहिम को आग में डालने के लिए नमरूद ने लकड़ियां जमा की, आग जलाई थी। तमाम दुनिया के मुसलमान हर शरीयत को सामने रखते हुए कुरान को सर पर रख के बताए उस नमरूद के बारे में क्या ख्याल है। हर मुफ्ती यही कहेगा वो नमरूद जो है मरऊन है, लानती है, गुनहगार है। क्यों? इसलिए उसने एक मासूम को जलाने की साजिश की थी। अगर एक मासूम को जलाने की साजिश करने वाला लानती है तो जिसने मासूमा के दरवाजे को जला दिया कैसे जलाया?
حضرت فاطمہ کو لے لیا، پیغمبر اسلام کی شہادت کے تیسرے دن یہ واقعہ ہوا۔ اپنے بابا کے بعد دو روایتیں ہیں، 75 دن یا 95 دن۔ آپ مجھے بتائیے، روایت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہتے گا فاطمہ زہرا کی پسلیوں میں چوٹ نہیں لگی، بلکہ لکھا ہے کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ خالی اگر سینے میں درد ہو تو سانس لے لیں، بیوی اس کی حالت میں عبادت بھی کرتی تھی، دعائیں بھی کرتی تھی۔ جناب فضا اتنا کہتی ہیں کہ ہم نے اکثر دیکھا جناب فاطمہ زہرا جب مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو ایک ہاتھ پہلو پر رکھ لے اور تاریخ میں آج جو رواں موجود ہے شکر کریں گے اور
سب کی توفیق عطا فرما، جو خوشحال حال خوشحالی قبول فرما، اور جو مظلوم عطا فرما، جہاں جہاں اولاد رہتے ہیں سب کی حفاظت فرما، میرے والد ہمارے زمانے کے امام کے حضور میں تعظیم فرما، ہمیں ان کے عوام انصار و شاگردوں کی سعادت نصیب فرما، زمانے دعوت امام میں تمام علماء اعلام راجع کے گھرانوں میں وہ حضرات کی شریعت کو حفاظت فرما، اور ساتھ امام بارگاہ